दोस्तों आप सभी को डाउट हो रहा होगा कि पटवारी परीक्षा में भी लागू होगी या शुल्क माफ़ कर दी जाएगी, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों यहां पर कल जो घोषणा हुई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा, जो कि व्यापम और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो आगामी परीक्षाएँ होगी उनका जो है छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनका शुल्क माफ़ होगा। जो कि आगामी परीक्षाएँ होगी स्थानीय निवासी का वहाँ पर उनका शुल्क माफ़ होगा, यानी कि बिना परीक्षा शुल्क के एग्जाम दे पाएंगे या फॉर्म भर पाएंगे या पटवारी भर्ती परीक्षा में लागू होगी या नहीं होगी, इसकी पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक देखते रहें। यहाँ पर पटवारी भर्ती परीक्षा में शुल्क माफ़ किया जाएगा या नहीं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। देखें यहाँ पर क्या आपको भी फॉर्म भरना चाहिए या एक दो दिन तक वेट करना चाहिए, या पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पटवारी परीक्षा का आवेदन जो है भरने की प्रारंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 4 मार्च 2022 यानी कि शुक्रवार को दिया गया है, तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23 मार्च 2022 को मंगलवार को दिया गया है, और त्रुटि सुधार के लिए 23 से 25 मार्च। साथ ही आपको ध्यान रखने के लिए जो बात है परीक्षा की तिथि 10 अप्रैल 2022, आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात है परीक्षा की तिथि 10 अप्रैल 2022 को, यानी कि एग्ज़ाम होना था उसको चेंज करके 17 अप्रैल 2022 को किया गया है। और रही बात की परीक्षा शुल्क के बारे में, तो यहाँ पर देखिए कल के डेट में जो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा और जो घोषणा हुई है उसे तत्काल जारी नहीं किया जा सकता, इसे आदेश जारी करने के लिए कुछ समय वेट करना पड़ सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि देखो आपको एक दो दिन आपको वेट करना पड़ भी सकता है आदेश जारी करने के बाद इसका कुछ कहा जा सकता है। अगर आप फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो भर सकते हैं या 2-3 दिन तक आप वेट कर सकते हैं। अभी अंतिम तिथि के लिए देखिए यहाँ पर 1 या 2 हफ्ता समय है। अगर देखिए आदेश जारी हो जाता है तो निःशुल्क आप फॉर्म भरने की अनुमति भी मिल सकती है, और जो लोग फॉर्म भर चुके हैं अगर शुल्क माफ़ हो जाता है तो उसका क्या होगा, तो देखें यहाँ पर उसके लिए अलग से वेबसाइट पर एक लिंक जारी कर दिया जाएगा रिफंड के लिए। लेकिन मैं ये देखिए आपको बताया था कि मैं, लेकिन यहाँ पर एक निश्चित नहीं है, फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पटवारी भर्ती का जो नियम इसी भर्ती में ही लागू होगा या आने वाले एग्ज़ाम में या आने वाले वैकेंसी के लिए लागू हो सकता है। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, या फिर 2-3 दिन तक अंदर तक आदेश नहीं आता तो आप वेट ना करें फॉर्म भर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ वीडियो में समझ आ गया होगा तो वीडियो को आप अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों प्लीज़ यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को कुछ यही जानकारी देना चाहता था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद।